पंजाब केसरी समूह के संस्थापक अमर शहीद लाला जगत नारायण जी की 43वीं पुण्यतिथि पर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के देवभूमि ब्लड बैंक में बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री विपुल मंदौली के सौजन्य से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। लाला जगत नारायण जी की पुण्यतिथि पर आयोजित रक्तदान कैंप में बड़ी संख्या में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने ब्लड डोनेशन किया। इस शिविर में 45 से ज्यादा यूनिट रक्तदान किया गया। सुबह 9:30 बजे से रक्तदान शिविर की शुरुआत हुई। सबसे पहले सभी की जांच की गई। स्वास्थ्य परीक्षण में सही पाए जाने के बाद सभी रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। दरअसल उत्तराखंड में इन दिनों वायरल बुखार टाइफाइड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। इसके चलते ब्लड बैंकों में रक्त और प्लेटलेट्स की भारी कमी देखने को मिल रही है। सरकार भी कोशिश कर रही है कि रक्त और प्लेटलेट्स की कोई कमी ना हो। इसी को देखते हुए भारत के प्रसिद्ध पत्रकार और पंजाब केसरी समूह के संस्थापक अमर शहीद लाला जगत नारायण जी की 43वीं पुण्यतिथि के अवसर पर देहरादून के देवभूमि ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। रक्तदाताओं ने पंजाब केसरी समूह की इस मुहिम की जमकर सराहना की। आज अमर शहीद और पंजाब केसरी के संस्थापक श्री जगत नारायण जी का 43वीं पुण्यतिथि है। लाला जी को लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है हमारा पत्रकारिता, उसका एक प्रतीक चिन्ह कहा जा सकता है, क्योंकि लाला जी ने उनके जीवन की जो सबसे बड़ी लेगेसी रही, आपातकाल के समय भी जब उनके अखबार को और जब पत्रकारिता पर पेन पर बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया गया था, उनके जो अपनी प्रेस थी उसकी लाइट काट दी गई थी, बहुत सारी चीज़ें भी, तो इलेक्ट्रिसिटी काटने के बाद भी उन्होंने अपने पूरे मनोयोग से काम किया और पत्रकारिता के काम को उस काले कालखंड में भी चलाने का पूरा प्रयास किया। लाला जगत नारायण जी पहले तो कांग्रेस के जो है सदस्य थे, लेकिन जब उन्होंने आज़ादी के बाद देखा कि लाला ये नेहरू जी की सरकार में भ्रष्टाचार व्याप्त है, तो उनका मन क्षुब्ध हुआ और उन्होंने राजनीति छोड़ दी, कांग्रेस से उन्होंने संन्यास ले लिया। उसके बाद 57 में उन्होंने जो है विधायक का चुनाव लड़ा। विधायकी का चुनाव उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़ा। नेहरू जी ने अपनी पूरी ताकत उनको हराने के लिए झोंक दी, लेकिन तब भी वो विजयी होकर निकले। तो ऐसी स्वच्छंद पत्रकारिता का बहुत कम हम लोगों को देखने को मिलता है। तो लाला जगत नारायण जी हमेशा इस बात के लिए जाने जाएंगे कि उन्होंने सबसे ऊपर पत्रकारिता को रखा, सबसे ऊपर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रखा। इसके लिए देश जो है हमेशा उनको याद करेगा। वो अमर हैं, हमारे यादों में वो बने रहेंगे और पंजाब केसरी के माध्यम से वो जन जन में पहुंचते हैं। जैसा कि हम ये भी जानते हैं कि लाला जी ने पंजाब केसरी अखबार का नाम इसलिए लिखा क्योंकि वो लाला लाजपत राय जी से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। लाला लाजपत राय जी को अपना आइडियल मानते थे और क्योंकि लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी कहा गया, तो उन्होंने अखबार शुरू किया था। ऐसे ही फिर उन्होंने नवोदय टाइम्स, काफ़ी सारे टीवी, ये सब शुरू किया। बहुत अच्छा अभी भी पत्रकारिता का ये पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स, ये लोग बड़ा अच्छा जो है इनका, आप कभी पत्रकारिता देखेंगे बहुत अच्छी रहती है। और उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के जो उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किए थे, अभी भी पंजाब केसरी उसको लेकर आगे बढ़ रहा है। मैं इसके लिए पंजाब केसरी को भी जो है बधाई देना चाहूंगा। देहरादून से पंजाब केसरी टीवी के लिए आशीष रमोला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं।